ये ए नाम का पर्सन है और ये बी नाम का पर्सन। बी के पास एक प्लॉट, ए आके कहता है कि भाई साहब ये तो मेरा प्लॉट, ये जो बी है ये बहुत चालाक, ये फ्रॉड करता है, कह रहे तुम्हारे पिताजी जो तुम्हारा प्लॉट लिए थे वो ये वाला नहीं है, तो अरे वो सीपी में जो प्लॉट है वो तुम्हारा है, उसको तो अच्छा सीपी वाला मेरा है, ये कहाँ ये 10-20 लाख रुपया प्लॉट, ठीक है वो करोड़ों का प्लॉट है वो तुम्हारा है। अब बेचारे के साथ फ्रॉड कर दिया और बोलता तुम अभी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, सीपी वाला जो प्लॉट जब बड़े हो जाओगे तो ले लेना। वो बेचारा अपना पढ़ता रहता है, ठीक है ग्रेजुएशन कर लिया, लंदन चला गया, पढ़ उठ के वापस आया। इस दौरान में ये भाई साहब उसको फ्रॉड करते रहे, 12 साल का टाइम बीत गया। उसके बाद एक दिन इसको पता चल गया कि बी ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो बी के घर पहुंचा गुस्से में कि भाई जमीन मुझे वापस दो, मैं केस फाइल करूंगा, ओके तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है। बोला केस कैसे फाइल करोगे, तुम्हारा जितना लिमिटेशन पीरियड था वो तो खत्म हो गया। तो वो कहता है कि देखो सर सेक्शन 17 को ध्यान से पढ़िए, सेक्शन 17 कहता है कि जितना भी टाइम फ्रॉड में गया है दैट विल नॉट बी कैलकुलेटेड, उसको काउंट नहीं किया जाएगा, फ्रॉड का टाइम कभी भी कैलकुलेशन में यूज नहीं किया जाता। तो जिस दिन फ्रॉड पता चलेगा वहां से फ्रेश पीरियड लिमिटेशन का स्टार्ट हो जाएगा। तो सेक्शन 17 सिंपल सी बात बताने के लिए आया था कि फ्रॉड में से अगर तुम किसी को धोखे में रख रहे हो तो भाई जितना टाइम उसका वेस्ट हुआ है उस फ्रॉड के कारण वो कैलकुलेट नहीं किया जाता, और जब भी उसको फ्रॉड पता चलेगा वहां से उसको फ्रेश स्टार्ट मिल जाता है लिमिटेशन का। सो ही विल बी स्टार्टिंग अ फ्रेश पीरियड ऑफ द लिमिटेशन द मोमेंट ही विल बी कमिंग टू नो अबाउट द फ्रॉड। ओके okay.